नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी एक पुरानी वीडियो का अपडेट आपको दूंगा, जिसमें कि मैंने बताया था कि एक पेशेंट जो कि डिप्रेशन से सफर कर रहा था, उसने जब दवाओं से और थेरेपी से जब इलाज लेना शुरू किया तो उसने रोज अपने मूड को मॉनिटर करना शुरू किया, उसके बारे में रिकॉर्ड रखना शुरू किया और कैसे करीब 66 दिन तक, जो मैंने उस वीडियो में बताया था, 66 दिन तक उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के बाद कैसे उसमें रिकवरी हुई, किस तरह से उसके मूड में चेंजेस आए। और दो तरह के मूड मैंने आपको बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव मूड, जो कि एक स्केल की मदद से उसने अपना रिकॉर्ड रखा था। 66 दिन के अंदर उस पेशेंट में किस तरह से रिकवरी देखी गई, इसके बारे में मैंने आपको उसमें थोड़ा डेटा एनालाइज करके समझाया था। इस वीडियो में उसी का अपडेट आगे देते हुए, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आपको बताऊंगा कि 124 दिन तक, करीब 4 महीने तक, जब उस पेशेंट ने अपना रोज मूड का डेटा जब रिकॉर्ड किया तो उसके अंदर कैसे बदलाव देखे गए, किस तरह से वो डिप्रेशन से रिकवर किया और अभी जब वो दवा भी ले रहा है, हालांकि लो डोज पे ले रहा है और साथ ही कभी कभी सेशंस भी लेता है थेरेपी के, जो कि एक टाइम पर काफी एक्टिव सेशंस उसके चल रहे थे, करीब करीब हर हफ्ते वो सेशन लेता था, और धीरे धीरे थेरेपी और दवाओं की मदद से उसमें कैसे रिकवरी हुई और 4 महीने के बाद, करीब 124 दिन के बाद, उसका मेंटल स्टेट अभी कैसा है और वो किस तरह का पैटर्न उसके मूड ने शो किया, कैसे वो इन दोनों तरह के इलाज से उसके मूड में बदलाव आए और अभी वो जो स्टेबल कंडीशन में है वो किस तरह का अपना मूड का लेवल दिखाता है। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए स्क्रीन पर मैं आपको उस पर्सन का डेटा दिखाता हूं, उसके कुछ चार्ट्स और उसके कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिखाता हूं कि कैसे उसे हम, उसकी मेंटल कंडीशन को हम एनालाइज कर सकते हैं और उसके डेटा से समझ सकते हैं कि एक डिप्रेशन के पेशेंट के मन में और एक डिप्रेशन के पेशेंट की मेंटल हेल्थ रिकवरी किस तरह से होती है, क्या चलता है उसके मन में। और साथ ही इस वीडियो में एक बोनस एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा, जो कि पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था, पर इस वीडियो में काफी सिग्निफिकेंट एक डेटा, एक एनालिसिस हम देखेंगे जो कि उस पेशेंट के ही बारे में है, जिससे और कुछ इनसाइट्स आपको जानने में मिलेंगी। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं आपको दिखाता हूं उस पेशेंट का डेटा और उसके चार्ट्स। तो यहाँ आपके सामने ये पूरा डेटा है जो कि मैंने पिछली बार दिखाया था, उसी के आगे कंटिन्यूशन में है। आप देख सकते हैं कि ये 27 जुलाई से ये डेटा देना पेशेंट शुरू करता है और अभी आगे चलते हुए, जो कि पिछली बार क्या होता, पिछली बार इसका करीब 8 या 10 अक्टूबर तक का मैंने आपको डेटा दिखाया था, अब उसके आगे चलते हुए ये पेशेंट अपना डेटा देता है और 5 दिसंबर तक का ये डेटा आज हमारे पास अवेलेबल है। ये पूरे 124 दिन का डेटा है, मतलब पूरे करीब 4 महीने का डेटा है। ये जो डेटा है, ये पेशेंट ने एक स्केल पर दिया है जिसे कि हम PANAS कहते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, PANAS मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एफेक्ट शेड्यूल, एफेक्ट इमोशन मूड, इन वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड साइकोलॉजी में। तो ये जो स्केल है, इसके अंदर एक पेशेंट को अपने 20 अलग अलग इमोशंस को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे इमोशंस हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के इमोशंस शामिल हैं, ये सारे इमोशंस पेशेंट को रिपोर्ट करने होते हैं एक स्केल के ऊपर। ये स्केल आपके सामने है, वेरी स्लाइटली और नॉट एट ऑल, अ लिटल, मॉडरेटली, क्वाइट अ बिट, एक्सट्रीमली, जिन्हें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके स्कोर किया जा सकता है। और बाद में इन सभी 20 मूड्स में 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव को अलग करके इनका टोटल स्कोर निकाल लिया जाता है। तो हर मूड के ऊपर जो टोटल स्कोर जाएगा वो 10 से लेकर 50 तक जा सकता है, क्योंकि मिनिमम स्कोर हर एक पर 1 का दिया जा सकता है और मैक्सिमम स्कोर हर एक पर 5 का दिया जा सकता है। तो इस तरह से पॉजिटिव मूड का 10 से लेकर 50 में से कोई एक स्कोर आएगा और नेगेटिव मूड का भी 10 से लेकर 50 तक कोई ना कोई नेगेटिव स्कोर आएगा। तो ये रहे आपके सामने, देखेंगे कि ये रहे पूरे 20 मूड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जिन लोगों ने पहले मेरे ये वीडियो नहीं देखे हैं पनास के ऊपर, जो मैंने एनालिसिस दिया है, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई है, वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। उसमें थोड़ा और डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे PANAS को कंडक्ट किया जाता है, कैसे रोज अपने मूड का रेटिंग देकर एक पेशेंट अपने मूड को ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसका रिकॉर्ड रख सकता है और अपनी रिकवरी को खुद अपनी आंखों के सामने कैसे वो रिकवर किया वो देख सकता है, जो कि उसकी थेरेपी में बेहद यूजफुल होता है। और PANAS रोजमर्रा के आने वाले हमारे जो मूड के अंदर बदलाव है उसको असेस करने का एक सबसे अच्छा, सबसे पॉपुलर और सबसे आसान तरीका है। तो आइए पेशेंट के थोड़े डेटा पर चलते हैं।
जो पेशेंट ने सारे जो अपने रिस्पॉन्स दिए थे उसके ये सारे स्कोर्स हैं, आप देखेंगे 1, 5, 1, 2, 4, 3 ऐसे ऐसे करके पेशेंट के अलग अलग रेटिंग्स आए हुए हैं, और फिर बाद में इन सब का टोटल स्कोर यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है। पॉजिटिव मूड के अलग स्कोर हैं, नेगेटिव मूड के अलग तरह के हमारे पास स्कोर आ जाते हैं। पेशेंट को मैंने लिंक दिया था और वो उस लिंक पर, गूगल फॉर्म का जो लिंक था उस पर रोज़ अपना डेटा भरता था, डेट टाइम सब उसमें अपने आप आ जाता था। ऐसे में रोज़ का उसका डेटा और रोज़ का उसका टोटल स्कोर अवेलेबल हो जाता था। अब इसके बाद इस पूरे डेटा के मैंने चार्ट्स बनाए और वो अब चार्ट्स में आपको इस स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर पॉजिटिव मूड्स का ये वो डेटा है जो कि पहले 66 दिन का था, 27 जुलाई से 8 अक्टूबर तक का डेटा था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉजिटिव मूड कैसे धीरे 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 पेशेंट का जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दवा और ट्रीटमेंट वो थेरेपी लेता रहता है तो उसके पॉजिटिव मूड्स में ग्रोथ होती है। और हम देखेंगे कि शुरू के कई दिनों तक तो उसके अंदर पॉजिटिव मूड ज़्यादा आता ही नहीं था। ज़्यादा पॉजिटिव मूड होने का मतलब है 4, 5 के अंदर उसकी रेटिंग का आना, पर पेशेंट की ज़्यादातर रेटिंग जो थी वो 1, 2, 3 के इर्द गिर्द ही जाती थी। और जैसे जैसे समय से ट्रीटमेंट होता गया वैसे वैसे पेशेंट की जो रेटिंग्स हैं वो 4 और 5 का लेवल छूती गई। और देखेंगे कि लास्ट के जो कुछ दिन थे 8 अक्टूबर से कुछ पहले के जो दिन थे उसमें पेशेंट की रेटिंग्स 5 तक भी गई थी, मतलब कि ट्रीटमेंट जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था। अब ये तो रहा 27 जुलाई से 8 अक्टूबर का डेटा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अब हम देखेंगे अभी का डेटा। ये देखिए ये सारे पॉजिटिव मूड्स हैं और पेशेंट ने अपनी जो रिकवरी है वो मेंटेन की हुई है, पेशेंट के पॉजिटिव मूड्स अभी भी मेंटेन्ड हैं। इनफैक्ट हम देखेंगे कि 27 जुलाई से 5 दिसंबर तक ये जो डेटा है पूरा 124 दिन का, ये 124 दिन देखिए यहाँ पर है, ये इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ओवरऑल जो पॉजिटिव मूड्स हैं उसके नंबर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ा डेंस है ये एरिया, जबकि ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा कम डेंस है। डेंस मतलब कि इसके अंदर हम देखेंगे कुछ ही मूड्स हैं जो 5 के लेवल तक जा रहे हैं। कौन से मूड हैं ये आपके सामने सारे मूड्स दिए हुए हैं, पूरे 10 मूड हैं। इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, स्ट्रांग, एंथुजियास्टिक, प्राउड, अलर्ट, इंस्पायर्ड, डिटरमाइंड, अटेंटिव, एक्टिव, ये सारा पेशेंट का मेंटल स्टेट है, उसके मूड हैं। ये सभी मेंटल स्टेट, ये सभी मूड अगर हाई हैं तो मतलब समझिए पेशेंट को डिप्रेशन नहीं है। या सिंपल अगर कहें, क्योंकि हर एक का एकदम 5 का लेवल तो होता नहीं, किसी का कोई 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2 या 3 से ज़्यादा भी अगर किसी का लेवल आ रहा है मूड का, इनमें से कुछ मूड भी अगर किसी पर्सन के ज़्यादा हैं, हाई रेटिंग दिखा रहे हैं, तो पर्सन जो है वो डिप्रेशन से काफ़ी हद तक दूर है। तो हम पाएंगे कि काफ़ी सारे मूड पेशेंट के जो हैं वो यहाँ 5 की रेटिंग क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम मूड जो है वो 4 की रेटिंग पर तो आ ही रहे हैं। मतलब कि हम कहेंगे कि 124 दिन के बाद पेशेंट के अंदर काफ़ी हद तक पॉजिटिव मूड की हो चुकी है। अब इसी को आगे हम देखेंगे नेगेटिव मूड के केस में। ये रहा पहले 66 दिन का डेटा। आप देखेंगे इसके अंदर कौन से मूड आते हैं, डिस्ट्रेस्ड, अपसेट, गिल्टी, स्केयर्ड, हॉस्टाइल, इरिटेबल, नर्वस, जिटरी, अफ्रेड और अशेम्ड। तो देखा जाएगा कि जैसे जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे शुरू के 66, मतलब कुल 2 महीने के अंदर अंदर पेशेंट के जो नेगेटिव मूड थे वो तो कम हो ही गए, काफ़ी कम ही आ गई इसके अंदर। पहले कितने सारे नेगेटिव मूड्स हाई थे, अब धीरे धीरे कम हो गए। तो 66 दिन के अंदर मतलब 27 जुलाई से 8 अक्टूबर तक फ़र्क तो आया, पर अब हमें देखना है कि क्या ये फ़र्क आगे भी मेंटेन रहा, क्या पेशेंट ने आगे भी रिकवरी दिखाई, क्या पेशेंट के आगे भी नेगेटिव मूड जो थे वो कम ही रहे, तो इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप यहां देखिए कि वही डेटा जो हमने पहले 66 दिन का देखा था, 124 दिन के डेटा में भी हमें देखने में आता है कि हाँ पेशेंट के नेगेटिव मूड्स में कमी तो रही, ज़्यादातर जो उसके मूड हैं वो 1 या 2 के लेवल तक ही रहे। मतलब नेगेटिव मूड था तो, पर काफ़ी कम था, और कुछ ही मूड थे जो कि उसके 3 या 4 की रेटिंग के आसपास देखने में आते हैं। 5 की रेटिंग में तो उसका कोई भी नेगेटिव मूड आया ही नहीं। तो ज़्यादातर जो पेशेंट के जो मूड हैं वो 2 या 3 की रेटिंग में हैं और कुछ मूड्स 4 की तरफ आ रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट पूरी तरह से नेगेटिव मूड्स में रिकवर कर चुका है, कुछ ना कुछ नेगेटिव मूड्स तो आते हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखें नेगेटिव मूड्स के अंदर काफ़ी रिकवरी हुई है। पॉजिटिव मूड्स जैसा हमने देखा ये 66 दिन, ये 124 दिन, फिर नेगेटिव मूड्स धीरे धीरे कम हुए और काफ़ी हद तक कम तो हो गए। पेशेंट ज़्यादातर तो नेगेटिव नहीं फील कर रहा, पर कुछ कुछ मूड्स कभी कभी उसके नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। पर फिर भी हम देखेंगे कि जो डेंसिटी है इस एरिया के अंदर नेगेटिव मूड्स की, जो डेंसिटी है वो कम है। डेंसिटी कम होने का मतलब है कुछ कुछ मूड ही उसके 4 की रेटिंग पर आते थे, ज़्यादातर मूड तो उसके 3 की रेटिंग पर ही रहे या 2 की रेटिंग में रहे। तो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हुई है।
अब हम आगे बढ़ेंगे और इन पॉजिटिव और नेगेटिव मूड्स के प्रोग्रेस को हम कंपेयर करेंगे एक लाइन चार्ट की मदद से। मतलब ये जो बार वाला चार्ट है इसकी बजाय हम लाइन चार्ट देखेंगे। ये रहा, ये था पहले 66 दिन का डेटा। पहले 66 दिन पर हमने देखा कि पेशेंट का नेगेटिव मूड यहाँ कम हुआ, पॉजिटिव मूड बढ़ा, और एक क्रिटिकल ऐसा एक पॉइंट आया जब पेशेंट के पॉजिटिव मूड बढ़ गए, बढ़ते ही रहे और नेगेटिव मूड कम होते रहे। अब ये तो बड़ा ही सिंपल सा लीनियर सा तरीका है कि भाई पॉजिटिव बढ़ गया, नेगेटिव कम हो गया। पर क्या 66 दिन के बाद, मतलब 2 महीने के बाद भी क्या पेशेंट ने ये रिकवरी दिखाई है? क्योंकि पिछले हमने 2 चार्ट्स में देखा कि पॉजिटिव मूड में तो बढ़ावा हुआ पर नेगेटिव मूड में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। तो हम देखते हैं कि किस टाइप का पैटर्न जो है पेशेंट शो कर रहा है। ये रहा पेशेंट का 124 दिन का डेटा। मतलब हम क्या देखते हैं यहां पे, अब देखिए इसको थोड़ा ढंग से समझने जैसा है और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल है इसको समझना। यहां से पेशेंट का मूड नेगेटिव वाला कम होना शुरू होता है, यहाँ धीरे धीरे पेशेंट का पॉजिटिव मूड आता है। ये वो टाइम है जब पेशेंट थेरेपी मेडिसिन दोनों शुरू कर चुका है। पेशेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, मतलब MDD, और इसको जो लेवल थे वो मॉडरेट टू सीवियर था इसका डिप्रेशन का लेवल। इस पॉइंट पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे एकदम सडन चेंज पेशेंट के मूड के अंदर आता है और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है और नेगेटिव के अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरावट आती है। हम यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव मूड और नेगेटिव मूड अलग अलग तरीके के पैटर्न दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बढ़ता ही जाएगा तो नेगेटिव कम ही रहेगा, या पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव धीरे धीरे गिर रहा है जबकि पॉजिटिव के अंदर एक बड़ी छलांग लग सकती है, और यही हम उल्टे तरह से भी देख सकते हैं। नेगेटिव के अंदर एक छलांग लग सकती है जबकि पॉजिटिव जो है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। तो अलग अलग तरह से हमारे पॉजिटिव नेगेटिव मूड छलांग लेते हैं या वो चेंज दिखाते हैं, क्योंकि अलग अलग इमोशन दिन में किसी भी वजह से कोई पेशेंट कोई पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। अब यहां देखें कि पेशेंट का करीब यहां पर, यहां तक हमने जो था डेटा पिछली बार देखा था, इस पॉइंट तक, ये 66 दिन का डेटा था। इसके आगे का जो डेटा है वो 66 दिन के बाद का है, 124 दिन तक का। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव मूड तो धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, यहां पर नॉर्मल लेवल पर अटेन हो गया, मतलब 30 से 40। मैंने आपको बताया था कि 10 से लेकर 50 तक लेवल जा सकता है। हम मान के चलेंगे कि अगर 25-30 के ऊपर अगर लेवल रह रहा है पॉजिटिव मूड, तो वो काफी पॉजिटिविटी हुई। हमें 50 का लेवल अटेन नहीं करना, हमें यहां नहीं आना, हमें यहां भी नहीं आना 40-45 के आसपास। अगर पेशेंट अगर अपना मूड हाई लेवल का शो कर सकता है, मतलब 40-35 के आसपास भी अगर उसका पॉजिटिव मूड जा रहा है और वो अगर कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, तो मतलब पेशेंट की रिकवरी सफल हुई। और साथ ही अगर नेगेटिव मूड की भी रिकवरी, हम कैसे मानेंगे कि उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी है, मतलब पेशेंट का नेगेटिव मूड एक ही लेवल पर बना हुआ है, ना उसके अंदर बहुत तेजी आ रही है ना उसके अंदर बहुत गिरावट आ रही है, तो मतलब ये पेशेंट करीब करीब रिकवर कर चुका है, ये स्टेबल मूड्स दिखाता है। आइए इसको अब थोड़ा फिर से एनालाइज करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव मूड हो चाहे नेगेटिव मूड हो, उसमें एक स्टेबिलिटी हम देखेंगे। करीब 30 से 40 के स्कोर के बीच ही पेशेंट के पॉजिटिव मूड जा रहे हैं, करीब 10 से 25 के बीच ही पेशेंट के नेगेटिव मूड जा रहे हैं। मतलब यहां तो नेगेटिव मूड कम हुआ और यहां पर पॉजिटिव मूड बढ़ा, पर इसके बाद पॉजिटिव मूड वहीं रहा और नेगेटिव मूड भी वहीं रहा। हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई नेगेटिव मूड तो 0 आ जाना चाहिए था या 10-12-13 का लेवल पर आ जाना चाहिए था और यहाँ पर पॉजिटिव मूड जो है तो 45-50 के लेवल पर रहना चाहिए था तो ही हम कहेंगे कि पेशेंट फुल्ली रिकवर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूड्स बने रहते हैं, बस उसके अंदर कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी आनी जरूरी है। मतलब कि हम कहेंगे कि अब पेशेंट जो है वो स्टेबल मूड में है, ना वो बहुत लो फील कर रहा है ना बहुत हाई फील कर रहा है, वो एक ही टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस रोज शो कर रहा है, कभी किसी का ज्यादा लेवल तो कभी किसी का कम लेवल। इसी तरीके का लेवल अटेन करना हमारा लक्ष्य होता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल माइंड का काम करने का तरीका है। अब यहां पर मैं आपका कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगा 2-3 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स पर। देखिए, कुछ हुआ पेशेंट की लाइफ में और उसके पॉजिटिव मूड में एक सडन गिरावट आई तेजी से, करीब 3-4 दिन के अंदर पेशेंट का पॉजिटिव मूड एकदम से गिर गया। और 3-4 दिन कुछ ऐसा हुआ होगा, पेशेंट काफी बुरा फील कर रहा होगा, पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही होगी। साथ ही हम क्या देखते हैं कि इन्हीं दौरान नेगेटिव मूड में भी ग्रोथ आ गई, नेगेटिव मूड भी बढ़ गया, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग कोई टाइम रहा होगा पेशेंट की लाइफ में। मैं यहाँ स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि क्या हुआ, हालांकि मुझे पता है, पर हम यहाँ पर एक न्यूट्रली हम चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब हम मान के चल रहे हैं कोई ऐसा पेशेंट है जिसका बस हमारे पास डेटा है, उसकी लाइफ में क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्यों हुआ डिप्रेशन, कैसे रिकवर किया, कितनी डोज में दवा ली, कितनी थेरेपी ली, क्या किया, हम कुछ नहीं देख रहे, हम बस देख रहे हैं कि उसकी रिकवरी कैसे हुई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव मूड में कमी आई, अचानक से गिरावट आई, कुछ हुआ होगा, और फिर नेगेटिव मूड तेज हो गया, दोनों में बदलाव आया। पर उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव मूड एकदम से छलांग ली,
और धीरे धीरे थोड़े से बदलाव के बाद पॉजिटिव मूड फिर से हाई की तरफ चला गया। पर नेगेटिव मूड को देखिए, नेगेटिव मूड कई दिन तक एक ही लेवल पर बना रहा, ज़्यादा कमी नहीं आई इसमें। नेगेटिव मूड में थोड़ी कमी आई और कुछ दिन के बाद नेगेटिव मूड में भारी कमी आई। जबकि जब यहाँ भारी कमी आ रही थी तब पॉजिटिव मूड में कोई भारी तेजी तो नहीं थी, नहीं तो इसको तो पॉजिटिव मूड को तो यहाँ तक जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं गया। मतलब क्या हुआ इसका, जब भी कोई नया चेंज आता है हमारे लाइफ सर्कमस्टेंसेज में, हो सकता है हम पॉजिटिव ना फील कर रहे हो और हो सकता है हम बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, पर उस इंसिडेंट के बाद अगर कोई पेशेंट रिकवर कर चुका है, अगर वो पेशेंट पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकता है, तो उसके पॉजिटिव मूड में एकदम अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है, क्योंकि वो पर्सन स्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मूड अगर लो आया तो लो ही रहा, नहीं तो उसका मूड तो पॉजिटिव तो यहाँ रहना चाहिए था अगर हम कहते हैं कि पेशेंट ने रिकवर नहीं किया। पर नहीं, क्योंकि पेशेंट रिकवरी के मूड में था इसलिए उसके पॉजिटिव मूड में तेजी तो आई, पर क्योंकि कुछ अनहोनी कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती हैं तो अक्सर हमारा नेगेटिव मूड जल्दी कम नहीं हो पाता। तो ऐसे में हम क्या पाते हैं कि नेगेटिव मूड फिर भी पेशेंट का ज़्यादा ही रहा। मतलब अपने को पॉजिटिव बनाने में तो पेशेंट के अंदर ताकत थी, वो देखी, हमने देखने में आई, बट नेगेटिव से बाहर आने में थोड़ा टाइम लग गया। और करीब 4-6 दिन के बाद जब पॉजिटिव मूड तो अपने लेवल पर था, पर नेगेटिव मूड धीरे धीरे कम होने लगा और अचानक से कुछ 3-4 दिन के गैप में ये काफ़ी कम हो गया। इसी तरह की होती है हमारी लाइफ, इसी तरह के होते हैं हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इसी तरीके से हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और यही एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था जो मैं चाहता था इस वीडियो में आपको दिखाऊं, कि बड़े सारे ऐसे बदलाव आते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते हुए भी, पर अगर हम कहें कि हाँ पेशेंट रिकवर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पेशेंट के अंदर पॉजिटिव मूड की गिरावट नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। हालात बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी, तो पॉजिटिव मूड कम तो होगा ही, नेगेटिव मूड तो बढ़ेगा ही, उसके अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर रिकवरी किसे कहते हैं, ट्रीटमेंट का सक्सेसफुल हो जाना किसे कहते हैं, जब पेशेंट इस गिरावट को, पॉजिटिव मूड की गिरावट को दोबारा से रिकवर कर ले। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है रिकवर नहीं किया है, वो पेशेंट जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो ये पॉजिटिव मूड उसका लो रहना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये रिलैप्स नहीं था। पर अक्सर क्या होता है, कई पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव मूड में भारी कमी के बाद वो सोचते हैं अरे हमारा डिप्रेशन तो वापस लौट आया, डिप्रेशन तो फिर से बढ़ जाएगा, डिप्रेशन तो ठीक ही नहीं हुआ, दवा चेंज करो, डॉक्टर चेंज करो, थेरेपी बंद करो, सब खत्म कर दो, हमारी लाइफ तो फिर से खराब हो गई। ऐसा नहीं होता, थोड़े बहुत गिरावट आती हैं क्योंकि हालात अलग अलग हम सब डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हमारे पॉजिटिव मूड को कम कर सकती है, पर नेगेटिव मूड पर कंट्रोल रहे, पॉजिटिव मूड को फिर से रिकवर किया जा सके, ये अगर हम कर पा रहे हैं मतलब हम स्ट्रांग हैं, मतलब कि हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब हमारी प्रोग्रेस ठीक ठाक चल रही है। और उसके बाद देखिए नॉर्मली आराम से ये पर्सन जो है अपने पॉजिटिव मूड के अंदर रोज के बदलाव दिखाता रहा, टोटल स्कोर में चेंजेस आते रहे, किसी दिन फिर से गिरावट आई पर फिर से पेशेंट ने उसको रिकवर कर लिया, नेगेटिव मूड थोड़े दिन तक बना रहा, फिर नीचे गिरा, फिर एकदम से थोड़े नेगेटिविटी आई, पेशेंट का मूड यहाँ नेगेटिव रहा, और फिर हम देखते हैं कि ऊपर नीचे ऐसे करके नेगेटिव मूड में चेंजेस आते रहे। और अब ये पेशेंट जो है वो इसी तरीके की रिकवरी दिखा रहा है, बस कभी कभी कोई कोई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव मूड एकदम तेज होता है, फिर एकदम से गिरता है, फिर उसके बाद फिर से नेगेटिव में तेजी, फिर गिरावट, ऐसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े बदलाव हम सभी के मूड में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस लेवल पर ये वाले जो हम कह सकते हैं लास्ट के जो करीब 50-70 दिन हैं, इसके अंदर इस पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ है वो करीब करीब किसी भी दूसरे पर्सन के जैसी है जिसको कि या तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, या वो लोग जो कि डिप्रेशन से रिकवर कर चुके हैं उनके मूड्स करीब करीब ऐसे ही होते हैं। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और पेशेंट जो है वो पॉजिटिव के गिरने से दोबारा रिकवर कर जाता है और नेगेटिव के बढ़ने से वो और ज़्यादा नहीं बढ़ता रहता, वो फिर से कम ज़्यादा होकर एक लेवल पर मेंटेन रहता है। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये एरिया इसका नेगेटिव मूड का बना रहा और ये एरिया जो है पेशेंट का पॉजिटिव मूड का बना रहा, और यही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की पहचान है। आइए आगे बढ़ते हैं। शुरू के 66 दिन में पेशेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव मूड का एवरेज स्कोर ये आपके सामने दिया है। पहले पॉजिटिव मूड 66 दिन में, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट ने 66 दिन का फेज था वो नेगेटिविटी में स्पेंड किया था, इसलिए हम पाएंगे कि पॉजिटिव का जो एवरेज स्कोर है वो नेगेटिव के एवरेज स्कोर से कम है। तो बाकी के जो इतने सारे दिन रहे, मतलब 124 दिन में, हम उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव मूड का एवरेज स्कोर बढ़ चुका होगा। देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, पॉजिटिव मूड का ओवरऑल एवरेज स्कोर पेशेंट का बढ़ गया 124 दिन के बाद, जबकि 124 दिन के बाद नेगेटिव का ओवरऑल एवरेज स्कोर कम हो गया, और यही है पेशेंट की रिकवरी का सबसे अच्छा इंडिकेटर।
आइए अब यहाँ पर देखें कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मूड का जो डेटा रहा है, इसको मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा 4 महीनों के अंदर। मतलब कि इस पूरे 124 दिन को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 31-31 दिन का करीब 1 महीना बनता है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा डेटा डिवाइड किया और मैंने ये देखा कि अगर हम इस तरह से कंपेयर करें कि पहले 31 दिन में पॉजिटिव और नेगेटिव मूड का लेवल क्या था, तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव मूड बहुत ही कम था पहले 31 दिन में, और पहले 31 दिनों में नेगेटिव मूड का लेवल बहुत ज़्यादा है। ये आप देखेंगे कि ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ इस तरह से डिवाइड हो गया। मतलब पॉजिटिव मूड की रेटिंग 17-17.5 की आ रही है, 10 से लेकर 50 तक जा सकता है, और नेगेटिव मूड की रेटिंग एवरेज लेवल पर अगर 31 दिन से डिवाइड कर दें टोटल स्कोर को, सारी रेटिंग्स का अगर ऐड करके हम कर दें, तो एवरेज बनता है 35 का स्कोर। मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मूड था। अब हम आते हैं सेकेंड मंथ में। सेकेंड मंथ में पाएंगे कि पॉजिटिव मूड में तो ग्रोथ आ गई, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था, नेगेटिव मूड में भी कमी आई पर बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, 22 का लेवल आया। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव मूड का आया लेवल और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चला गया, काफ़ी फर्क आया। अब हम थर्ड मंथ में आते हैं और हम देखेंगे कि नेगेटिव मूड और कम हो गया, 16-17 का लेवल पर आ गया जो कि काफ़ी कम है, और पॉजिटिव मूड 35 के लेवल पर पहुंच गया जो कि काफ़ी अच्छा लेवल उसने अटेन किया। तो अब हम देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिवर्स कर रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लेवल्स और इसमें आने वाले पॉजिटिव नेगेटिव के लेवल्स करीब करीब बदल चुके हैं, उनका जो स्कोर है वो फ्लिप कर चुका है। पहले जो नेगेटिव का जो स्कोर था वो अब पॉजिटिव का हो गया है, और पहले जो पॉजिटिव का स्कोर था अब वो नेगेटिव का हो गया है। तो एक फ्लिप हम देखते हैं यहाँ पर हो गया है। फिर चौथे महीने में अगर हम आएँ तो चौथे महीने में हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। मतलब चौथा महीना इस पेशेंट ने काफ़ी स्टेबल मूड के लेवल्स दिखाए हैं। पॉजिटिव का हाई है तो नेगेटिव का भी लो ही है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव के अंदर कमी आ गई या नेगेटिव के अंदर बहुत तेज़ी आ गई, ऐसा भी नहीं है। हम क्या पा रहे हैं कि पॉजिटिव तीसरे और चौथे महीने में एक ही लेवल पर बना हुआ है, और नेगेटिव भी तीसरे और चौथे महीने में एक ही लेवल पर बना हुआ है, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हुई। मतलब पेशेंट स्टेबल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक अलग डेटा, ये स्लीप का डेटा है, स्लीप टाइमिंग्स का डेटा है, जो कि 124 दिन में पेशेंट कब कब कितने कितने बजे सो रहा है उसका डेटा है ये। और इस डेटा को मैंने थोड़ा अलग तरह से स्कोर किया है। कैसे? सारे जो भी पेशेंट की जो सोने की जो टाइमिंग्स हैं, जिसमें कभी वो 2 बजे सो रहा है, कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 3:15, कभी 1:30, कभी 1, कभी 12, कभी 4, तो ये जो रात का जो पेशेंट का जो पूरा जो स्लीपिंग टाइम है, इसका मेरे पास सारा रिकॉर्ड था, क्योंकि पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन थी कि जब भी तुम सोने लगो उससे कुछ देर पहले ही तुम्हें डेटा भरना है। तो मान लीजिए पेशेंट जो है वो 3 बजे सो रहा है, तो उसने 2:30-3 बजे डेटा दे दिया होगा। पेशेंट 2 बजे सो रहा है तो करीब 1:30-2 बजे के आसपास उसने बीच में डेटा दे दिया होगा। तो मान के चलेंगे कि एग्जैक्ट सोने से एकदम पहले तो पेशेंट डेटा नहीं दे रहा, पर करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे के गैप में वो डेटा दे रहा है हमें। तो पेशेंट ने जब जब हमें डेटा दिया रात में, हम मान के चलेंगे वो तब तब करीब करीब सो रहा है, 10-15 मिनट के बाद वो सो जाता है। तो पेशेंट का ये जो हम डेटा देखते हैं कि स्लीपिंग टाइम कैसे उसका कम हुआ, मतलब कैसे वो 3-4 बजे 2 बजे सो रहा था और कैसे वो धीरे धीरे 11-12 बजे के टाइमिंग पर आ गया, ये हमें यहाँ रैंकिंग्स की मदद से दिखाई देता है, क्योंकि मैंने सारे के सारे जो उसके टाइमिंग्स थी उनकी रैंकिंग बना ली। तो जो ज़्यादा रैंकिंग है, मतलब 124 दिन में जो सबसे ज़्यादा रैंकिंग है, वो दिन है जब पेशेंट लेट सोया, और जो लो रैंकिंग है अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें एक्सेल शीट पे, तो लो रैंकिंग जो है वो शो करता है कि पेशेंट जल्दी सोया। तो हम क्या पाते हैं कि लास्ट के करीब 1-1.5 महीने में पेशेंट के अंदर स्लीपिंग टाइम में एक बड़ा फर्क आ रहा है। लो रैंकिंग्स हैं। लो रैंकिंग्स कैसे पता चलेगा? यहाँ से 25-50 ये जो नंबर दिए हुए हैं, और 75-100-150 ये जो लेवल है, ये पेशेंट की इधर की रैंकिंग है। मतलब ये बेसिकली उसके दिन है, किस दिन कितना सोया, ज़्यादा रहा कम रहा, ये उसके अलग अलग रैंक्स हैं ये उसके। तो हम क्या पाएंगे कि पेशेंट के शुरू के 1-2 महीने तक तो पेशेंट कभी ज़्यादा कभी कम, कभी देर से कभी धीरे कभी जल्दी, ऐसे ऐसे करके सो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर पेशेंट की जो ज़्यादातर जो रैंक्स हैं वो हाई हैं। मतलब हम मान के चलेंगे 3 या 4 बजे सो रहा है। धीरे 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 इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन आती हैं। मतलब पेशेंट कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, तो कभी 3 बजे सो रहा है। पूरा लंबा चौड़ा उसका स्लीपिंग शेड्यूल का पूरा पैटर्न है। पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, पेशेंट का जो स्लीपिंग टाइम है वो कम होता जाता है। मतलब 11-12 बजे 1 बजे तक वो सो जाता है, तभी ज़्यादातर रैंक जो है वो इस एरिया में एक्यूमुलेटेड है। ये एरिया मतलब लो रैंक वाला एरिया। लो रैंक मतलब पेशेंट जल्दी सो रहा है, क्योंकि जब हम एक्सेल में असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जल्दी जो सोने वाला टाइम है वो पहले आ जाएगा, लेट सोने वाला टाइम जो है वो नीचे पहुंच जाएगा, बाद में आएगा। मतलब वो हायर नंबर ऑफ
रैंक की साइड चला जाएगा। अब इसी में हम उसी डेटा को इस तरह से देखेंगे कि सभी रैंक्स का महीनों में, चारों महीनों में हमने एवरेज ले लिया। मतलब क्या हुआ, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना में जो जो पेशेंट की रैंक्स रही हैं उसका मैंने यहाँ एवरेज ले लिया। अब ये जो एवरेज है ये रैंक का है, मतलब ज़्यादा रैंक मतलब देर से सो रहा है, कम रैंक मतलब जल्दी सो रहा है। तो हम क्या पाते हैं कि पहले दो महीनों में तो पेशेंट के अंदर स्लीपिंग टाइम में बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, पेशेंट एक ही जैसा सो रहा था, तो 74-73 इतने तक की रैंक आ गई। पर तीसरे महीने में पेशेंट के अंदर थोड़ी जल्दी हुई, मतलब पेशेंट थोड़ा जल्दी सो रहा है, यहाँ पर थोड़ी गिरावट आई, 74-73 से 62-63 के लेवल पर आया। और चौथे महीने में पेशेंट बहुत ही जल्दी सो रहा है, उसकी रैंक्स कम हो गई। वो जो पहले जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ये उसी चार्ट का अब हम महीनों के हिसाब से डिवाइड करके 31-31 दिन के महीने उसको डिवाइड करके रैंक्स का हमने एवरेज ले लिया है। तो हम पाते हैं कि चौथे महीने में पेशेंट काफ़ी जल्दी सो रहा है। ये 39, 62, 73, 74 ये कोई उसके टाइम नहीं बता रहा, ये उसकी रैंक्स हैं और रैंक्स का एवरेज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे पेशेंट धीरे धीरे अपनी स्लीपिंग टाइम को भी इम्प्रूव करता है। पेशेंट की स्लीपिंग ड्यूरेशन में बहुत फर्क नहीं आया, इसलिए मैंने ड्यूरेशन का यहाँ चार्ट नहीं बनाया। मतलब पेशेंट ज़्यादातर 6-8 घंटे सो रहा था, क्योंकि इस पेशेंट का जो काम करने का जो टाइम है, काम जब ये शुरू करता है अपना दिन का, तो वो थोड़ा लेट शुरू करता है, 11-12 बजे के बाद करता है। तो अक्सर पेशेंट का जो रात को जो सोने का टाइम होता था वो अक्सर थोड़ा लेट हो जाया करता था। तो अक्सर वो जब 3 बजे सो रहा है तो भी वो 9 बजे उठ जाता था, अगर वो 2 बजे सो रहा है तो वो 8 बजे उठ जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा उसका टाइमिंग रहता था। पर अच्छी रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट की स्लीपिंग टाइम में एक कंसिस्टेंसी आए और थोड़ा जल्दी हो, भले ही वो 2 बजे सो रहा हो या भले ही वो 12 बजे सो रहा हो, पर कम से कम वो रेगुलरली एक ही टाइम के आसपास सोए। ये नहीं कि किसी दिन 1 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 4 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 2 बजे सो रहे हैं, ऐसा ना हो। 12 बजे सोवो पर कम से कम डेली 12 बजे सोवो या उसके आसपास। 2 बजे सोना है पर कम से कम रेगुलरली 2 बजे सोवो, यही थेरेपी में रिकमेंडेड होता है। क्योंकि हमारे डे टू डे रूटीन के हिसाब से हमारा स्लीपिंग टाइम हो सकता है कि हम कितने बजे सोने जा रहे हैं। तो ये जो पेशेंट है ये अक्सर लेट सोता था, क्योंकि इसका दिन शुरू लेट होता है, वो देर से काम शुरू करता है, और डिप्रेशन में तो वैसे ही पेशेंट का जो दिन होता है वो बहुत ही सुस्ती से शुरू होता है, धीरे धीरे शुरू होता है। पेशेंट का जो टाइम जो होता है वो धीरे धीरे खिसकता रहता है, रात को वो ज़्यादा जागता है, सुबह वो ज़्यादा सोता है, इस टाइप का पेशेंट का रूटीन हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर कि पेशेंट का जो स्लीपिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब पेशेंट जो है वो जल्दी सो रहा है, इसका मतलब साफ है कि पेशेंट उठ भी जल्दी रहा होगा, मतलब अब वो दिन अपना जल्दी सुबह शुरू कर देता है बजाय कि देर से शुरू करने के, 10 या 11 बजे उठकर अपना दिन शुरू करने के। तो ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट समझी जाएगी, ये भी एक काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो पेशेंट ने शो की। उम्मीद है इस वीडियो में दिया गया ये डेटा, ये पूरा एनालिसिस, ये पूरी पिक्चर जो इस पेशेंट के बारे में मैंने आपको दिखाई, ये आपको हेल्प करेगी, आपको इनसाइट्स देगी, आपको डिप्रेशन की रिकवरी को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ यूट्यूब पर कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं ही नहीं कह सकता फ्यूचर का क्या है, बट कई सालों तक शायद आपको इस तरह की वीडियोस YouTube पे ना मिलें। इसलिए ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको समझिए। डिप्रेशन की रिकवरी कैसे होती है इसको जानिए। डिप्रेशन क्योरेबल बीमारी है, डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह से संभव है, और दवाओं और साइकोथेरेपी की मदद से डिप्रेशन को अच्छे से दूर किया जा सकता है। और सभी पेशेंट का जो पैटर्न होता है रिकवरी का, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो अलग होता है। ये जो पेशेंट था जिसके बारे में मैंने डेटा दिखाया, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित था, और इसको दवा और थेरेपी दोनों का इलाज रिकमेंड किया गया था। इस पेशेंट ने रेगुलर थेरेपी ली, रेगुलर दवाई ली, तभी ये इस तरीके का रिकवरी प्रोसेस दिखा पाया। रिकवरी का ये जो पैटर्न है ये इसीलिए इतना कंसिस्टेंट, इतना स्मूथ, इतना ईजी सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को लेकर रेगुलर था। वो ना साइड इफेक्ट्स को लेकर परेशान होता था, ना डॉक्टरों को लेकर डाउटफुल होता था, ना वो थेरेपी को लेकर नेगेटिव था, ना वो दवाइयों को लेकर नेगेटिव था। वो पॉजिटिवली अपने ट्रीटमेंट को अप्रोच कर रहा था, इसी वजह से वो सही तरह से करीब करीब 4 महीने में ये पूरा रिकवरी दिखा पाया। और इसी तरह से ज़्यादातर पेशेंट्स की रिकवरी होती है, 3-4 महीने के अंदर आते आते पेशेंट्स काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। पहले महीने में कुछ खासा बदलाव नहीं आता, दूसरे महीने में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, तीसरे महीने तक जाते जाते पेशेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है, और 4th-5th महीने के बाद हम देख सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अब स्टेबल हो गई है। ऐसे ही कई सारे पेशेंट्स का पूरा रिकवरी प्रोसेस होता है, सभी का नहीं होता। कुछ और पेशेंट्स का मैं डेटा दिखाऊंगा और आगे बताऊंगा कि कैसे बड़ा ही डिफरेंट सा एक पूरा रिकवरी पैटर्न अलग अलग पेशेंट्स शो करते हैं।
नेक्स्ट जो मैं पेशेंट का डेटा दिखाऊंगा वो होगा एक रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर RDD के पेशेंट का, और ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत से लोगों का डिप्रेशन बार बार आता जाता रहता है, और ऐसे में उनका जो रिकवरी का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट के मुकाबले। इस वीडियो में मैंने आपको जो पुराने जो चार्ट थे जो पिछली वीडियो में दिखाए थे उनसे कंपेयर करके बताया कि पहले 66 दिन पे कैसा था, 124 दिन के बाद कैसा है पेशेंट का मेंटल स्टेट, उसका रिकवरी पूरा पैटर्न प्रोसेस, और साथ ही मैंने आपको दो बोनस चार्ट दिखाए, मतलब उसके स्लीप पैटर्न के बारे में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दी। आप भी अपने ट्रीटमेंट को लेकर पॉजिटिव रहें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी भी तरह का सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर की मदद से YouTube का एल्गोरिदम इसे और लोगों में रिकमेंड करेगा। थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी वीडियो को मिलने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, लोगों को भी इस तरह की जानकारी लेने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।